सलाम जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में जो कवर किया था वो कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, जिसको मैंने आपको ये बताया था कि आपको कुछ जार्गन्स का मतलब पता होना चाहिए ताकि आप इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ सकें, यानी कोड ऑफ एथिक्स की ग्रिप आ सके। उसमें एक कॉन्सेप्ट ये था रिलेटेड एंटिटी का। मैंने कहा था कि भाई लिस्टेड कंपनीज के केस में रिलेटेड एंटिटीज का कॉन्सेप्ट अलग है और अदर देन लिस्टेड के केस में रिलेटेड एंटिटीज का कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई रिलेटेड एंटिटी समझना क्यों लाजमी है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि भाई जब भी आप कोई ऑडिट या रिव्यू इंगेजमेंट करने जाते हैं तो जिस क्लाइंट का करने जा रहे हैं आपने, उससे तो इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी ही करनी है, साथ साथ उसकी रिलेटेड एंटिटी से भी आपने क्या करना है जी, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है। तभी वो लिख के देता है कि मैं जहां जहां ऑडिट क्लाइंट की बात करूं तो वहां वहां उसकी रिलेटेड एंटिटी का भी क्या होगा, जिक्र होगा। तो आपको फिर ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट डज इट मीन बाय रिलेटेड एंटिटी, वो हमने साइड में लगा दिया था। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई आपको इंडिपेंडेंस कितने टेन्योर के लिए मेंटेन करनी है, यानी आपको कब तक इंडिपेंडेंट रहना है। तो मैंने आपको याद करने की चीज सिखाई थी, मैंने आपको ये कहा था कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड है उसमें तो आपको इंडिपेंडेंट रह नहीं रहना है, और आपकी इंडिपेंडेंस का पीरियड शुरू कब से हो जाता है, जब से आप काम करना शुरू करते हैं, जब से आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं। दूसरी चीज, ये एंड कब होता है, आइडियली ये एंड हो जाता है जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को इशू कर देते हैं। और फिर वो कहता है कि भाई अगर रिकरिंग नेचर का ऑडिटर, यानी अगेन एंड अगेन आप ही ऑडिटर हैं, तो फिर वो टर्मिनेट होता है, यानी टर्मिनेशन तो नहीं कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि भाई फिर वो आपकी इंडिपेंडेंस का पीरियड तब खत्म होगा कि या तो क्लाइंट आपको मना कर दे, या आप क्लाइंट को मना कर दें, या तो फिर बहुत समझिएगा सुकून से, या तो हो ये कि जब आपने लास्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू किए तब जाके ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई नेटवर्क फर्म्स क्या होते हैं। नेटवर्क फर्म्स का मतलब ये है कि भाई जो अपने पूल ऑफ रिसोर्सेज शेयर करें, सही है जी, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करें, अपने सॉफ्टवेयर को शेयर करें, ये सारी चीज़ें, फिर उसकी एक्सेप्शंस भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है जो वो घुमा के पूछता है। फिर हमने किया था एक कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने बताया था मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से क्या आपके पास सेट आए थे जिसकी वजह से आपने अप्रोप्रिएट सेफगार्ड लगाने थे। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि अभी पास पेपर करना है उसका। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि भाई अगर मैं किसी कंपनी का, एक्स वाई जी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, सही जी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया तब तो कोई पंगा नहीं था, और हमारी बेगम एबीसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या मेजर शेयर होल्ड करती हैं, व्हाट सो एवर। आप देखो ये और ये दोनों जमीन आसमान का फर्क है ना, मैं इसका ऑडिट करने वाला हूँ, हमारी बेगम यहाँ पे डायरेक्टर है। अब हुआ ये कि जहां पे हमारी बेगम डायरेक्टर है उसने इस कंपनी को अपने में मर्ज कर लिया। तो देखो पहले तो कोई पंगा नहीं था, सब अलग अलग था, पर जब अब वो कंपनी मर्ज हो गई तो क्या अब एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो गया। तो अगर बच्चों सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो गया है तो इसके लिए आपको कुछ जो है वो प्रिकॉशंस लेने होंगे, जिसको हम कहते हैं सेफ गार्ड्स। मैंने आपको वहां पे बताया था, ये तो रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, ये बताया था कि आप इवेल्यूएट करेंगे लेवल ऑफ थ्रेट। पहले तो आप ये काम करेंगे कि भाई आप उसको इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन से पहले, यानी जिस दिन वो होने जा रहा है उससे पहले उस इंटरेस्ट और रिलेशनशिप को खत्म करेंगे। इंटरेस्ट मतलब वो जो है, क्या बोलते हैं, कि आपके जो शेयर्स हैं उसको डिस्पोज कर देंगे, और जो रिलेशन, ऐसा नहीं बीवी को तलाक दे दूंगा, मैंने पहले भी बताया था आपको, या तो उसको बोलेंगे भाई रिजाइन कर दो, वो बोलेगी भाई निकल तू, मैं क्यों रिजाइन करूं, तू ऑडिट नहीं कर उसका। तो समझने की बात यह है आपकी कि भाई आपने अप्रोप्रिएटली उस इंटरेस्ट और रिलेशनशिप को खत्म करना है बाय द इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। फिर हम कहते हैं कि भाई बाज़ औक़ात ये पॉसिबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, मैं इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज दे रहा था एबीसी कंपनी को, एबीसी कंपनी कह रहा भाई यार तुम काम खत्म करो ना, तुम क्यों किसी, मतलब मैं तुम्हें क्यों हटाऊं, फिर शुरू से लेके किसी को बुलाऊं यहाँ पे। तो इसलिए फिर वो जो इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर एक्विजिशन तक उस रिलेशनशिप को टर्मिनेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। उस केस में आपको ये कहा जाता है कि भाई अब आप क्या लगाएं सेव कर। देखो अगर मैं इंटरेस्ट और रिलेशनशिप एंड कर देता तो कोई मसला ही नहीं था ना, तो कोई इशू ही नहीं था। इशू कब है, जब वो रिलेशन एंड नहीं हो पाया। तो अगर आपने वो बच्चों रिलेशन एंड नहीं किया तो उसके लिए फिर होते हैं अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड। वो क्या था, वो सबसे पहले कहता है भाई आप इवेल्यूएट करें लेवल ऑफ थ्रेट। इस लेवल ऑफ थ्रेट को आप दोस्त चार विद गवर्नेंस से डिस्कस करें, उसको बताएं कि क्यों मैं इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन तक इस रिलेशनशिप को या इस इंटरेस्ट को डिस्पोज ऑफ या एंड नहीं कर पाया।
जब आप ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं तो फिर इसके लिए मैनेजमेंट पे आपने उसमें देखी थी लाइन, फिर आपको मैनेजमेंट कहती है कि भाई आप भले चाहें तो उसको क्या करें, कंटिन्यू कर लें, क्योंकि मकसद क्या था, पहला रीजन क्या था कि आप उस रिलेशनशिप को एंड नहीं कर पाए। फिर अगर मैनेजमेंट ने आपको इजाज़त दे दी तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भाई आप ऐसी की तैसी कर देंगे कॉन्सेप्ट की। आपने फिर भी इंडिपेंडेंट रहना है, आपने क्या करना है, आपने करना ये है जो आपको बिल्कुल याद रखना है ऑन पॉइंट, कि आपने उस रिलेशनशिप को जो है 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर देना है, डिस्पोज ऑफ या एंड कर देना है, जब वो इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर के बाद। फिर वो कहता है कि भाई जब आपने ये 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ या एंड कर देना रिलेशनशिप को, फिर उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको ट्रांजिशनल मेजर्स लेना है। उस ट्रांजिशनल मेजर में क्या था, उस ट्रांजिशनल मेजर में ये था कि भाई आप विद इन द फर्म ही कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करें जो आपके काम को या उस इंटरनल ऑडिट के काम को या जो भी दूसरा काम था, सर्विस थी, उसको रिव्यू करें। या तो उसने कहा था कि भाई बाहर से किसी एक्सटर्नल बंदे को बुला के, बंदे की बात कर रहा हूँ, बंदे को बुला के रिव्यू करवा लो, या तो आखिरी चीज कि आप एक इंडिपेंडेंट फर्म अपॉइंट करो जो कि उस काम को रीपरफॉर्म करे। तो ये 3 तरीके के ट्रांजिशनल मेजर्स थे। और फिर एक और उसमें केस आया था कि ऐसे 2 अलग अलग केसेस है ना, पहले आपकी मजबूरी थी, अब दूसरे, अब जो दूसरा केस बताने वाला हूँ उसमें सुना है, उसके अंदर क्लाइंट आपको कह रहा है कि भाई सिग्निफिकेंट वर्क कंप्लीट हो चुका है और इन द मीन वाइल आप ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे, तो उस केस में आपको कहा जाता है कि भाई आप सिंपल एक काम ये करें कि आप यही चीज़ें जो जो सेट्स वगैरह डिस्कस हुए थी, मतलब आपने जो एवेल्यूएट किए हैं वो उससे डिस्कस करें, और सेट्स वगैरह को डिस्कस करने के बाद आप एक काम ये करें कि भाई जैसे ही आपने वो सर्विस ख़त्म की है, प्लीज़ सुनिएगा, जैसे ही आपने वो सर्विस या काम ख़त्म किया, आप उसके बाद उसके आगे काम नहीं कर सकते, वो वाला वो सिर्फ उस दिन तक के लिए था। और फिर इसके अंदर भी वो कहता है कि भाई वही ट्रांजिशनल मेजर्स अपॉइंट करना जो आपने पहले किए थे। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी चीज़ को हम ये देख लेते हैं कि भाई हमने, अगर सवाल आता है तो वो किस तरीके से आएगा। आपके वैसे स्क्रीन पे भी आ रहा है, जो पुराना वाला केस है देखें, ये आ रहा है कि भाई इवैल्यूएट द सेट दैट इज क्रिएटेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ रिलेशनशिप, डिस्कस करेंगे आप किससे, दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस से। अगर दोस्त चार्ट विद गवर्नेंस कह रही है कंटिन्यू करने के लिए, तो हम कैसे, कब कंटिन्यू कर सकते हैं, सही है जी, जब वो 6 मंथ्स आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर हम डिस्पोज कर लें, और जो बंदा, जिस बंदे का इंटरेस्ट था उसको आप टीम में नहीं रखेंगे और ट्रांजिशनल मेजर्स लगा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमने बिल्कुल मतलब एकदम सही तरीके से ये कवर भी किया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करवा रहा हूँ जी, वो रिकॉल करवा रहा हूँ। अच्छा जी, फिर अब देख लेते हैं कि इसका पास पेपर आया तो किस तरीके से आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें इवेल्यूएशन करनी है, और मैंने आपको लिखने का तरीका सिखाया। आप सिचुएशन को डिस्कस करेंगे कि भाई इस चीज से ये हुआ है, और ये वो सारी बातें हमने सवाल से उठा के लिखनी है, और आप बताएंगे कि उस सिचुएशन को लिखने के बाद के कॉन्सेप्ट सेट क्रिएट होता है, तो सेफगार्ड्स के अंदर वो सारी चीजें लिखेंगे। आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, बाकी आप किताब से खोल के देख के लिख सकते हैं। बहुत सुकून से देखिएगा इसको। मैं आपके सामने इसका स्लाइड शो प्रेजेंट कर देता हूँ। विंटर 2012 में आया सवाल, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं सारे पास पेपर्स करवाऊंगा। वो कह ये रहा है कि योर फर्म हातिम मंजूर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज द ऑडिटर ऑफ पेंट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। बात समझिएगा, वो कह ये रहा है कि भाई आपका, बहुत सुकून से समझिएगा, आपका जो फर्म है वो मंजूर एंड कंपनी उसका नाम है, वो ऑडिटर है पेंट लिमिटेड की, और आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2019। आगे देखिएगा, ऑन दिसंबर 1, 2019 PLS एक्वायर्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ब्रश लिमिटेड। अब जरा माइंड में बना, मैं आपकी जगह होता, मैं पेपर में क्या करता, फ्लो चार्ट बना देता। मैं कह रहा हूं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं फर्म हूं, सही है जी, मैं ऑडिटर हूं पेंट लिमिटेड का। आगे देखो क्या कह रहा है, PL हैज एक्वायर्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन ब्रश लिमिटेड। अब बात समझिएगा, जिसका मैं ऑडिटर हूं उसने एक्विजिशन की, यानी कंट्रोल हासिल कर लिया, किसी को अपनी सब्सिडियरी बना दिया, यानी अब किसी ने इसको एक्वायर नहीं किया, इसने किसी को एक्वायर किया, तो ये बात आप जरा ध्यान में रखिएगा। आगे, योर फर्म ऑल्सो हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद BL। अच्छा, ये BL कौन है, जिसको आपकी, जिसका आप ऑडिट कर रहे थे, जो आपका ऑडिट क्लाइंट है, जिसने उसको एक्वायर किया है, और जिसको एक्वायर किया है उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अभी उल्टा केस है। आगे देखिएगा, BL फॉर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज अंटिल 31 दिसंबर 2020। यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 दिसंबर 2020 तक का है, यानी आप बात समझें, आप
कि आप जिस वक्त का ऑडिट कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग पीरियड का आप ऑडिट कर रहे हैं, उसके भी बाद तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आगे, BL has requested your firm to keep providing the services until an alternative solution is worked out। यानी वो बोल रहा है भाई यार, हम तो लग जाएंगे, हम अपने अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, आपके पास एक्सपर्टीज है, आपको सब पता है, तो आप अपना काम चालू रखें। कब तक चालू रखें? जब तक हमें कोई नई पार्टी या नया वेंडर इसके लिए मिल नहीं जाता। आगे देखिएगा, तो सर वो कह ये रहा है कि भाई इवेल्यूएट करें सेट इस सिचुएशन के अंदर और डिस्कस करें वेदर द फर्म कैन कंटिन्यू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू बोथ द क्लाइंट्स टिल कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट। ऐसा ही है जी। अब आगे देखिएगा, हमें सबसे पहले, सिंस सच अ करंट इंटरेस्ट और रिलेशनशिप कैन नॉट रीजनेबली टर्मिनेटेड बाय द इफेक्टिव डेट ऑफ द एक्विजिशन, द फर्म शैल इवेल्यूएट द सेल्फ रिव्यू थ्रेट। बात सुनिएगा, ये वही लाइन लिखी हुई है जो आपके कोड ऑफ एथिक्स 2019 में लिखी हुई है कि भाई अगर इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर या एक्विजिशन थे, मैंने यहाँ पे मर्जर का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ एक्विजिशन का केस है, तो वो कहता है कि भाई जब आप इफेक्टिव डेट तक उसको एलिमिनेट या टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो आप अपने थ्रेड को रिव्यू करेंगे कि वो कितना सिग्निफिकेंट है। आगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ BL एंड PL वुड बी कंसोलिडेटेड, ऑब्वियसली बात है, एंड द फर्म वुड हैव टू रिव्यू इट्स ओन वर्क। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे आके कंसोलिडेट होंगे, तो जब वो कंसोलिडेट होंगे तो उस पर भी तो आप रिपोर्ट देंगे क्योंकि आप पेरेंट एंटिटी के ऑडिटर हैं। इसके बाद, फर्दर मोर PL एंड BL वुड नाउ बी रिलेटेड एंटिटीज एंड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑन PL वुड ऑल्सो भी एप्लीकेबल ऑन BL। ये मैंने अभी आपको रिकॉल करवाया। इसके बाद, द फर्म शैल डिस्कस विद दोज चार्टर्ड गवर्नेंस द रीजंस, उसमें लिखा हुआ है कि आप फर्म से, फर्म जो है वो डिस्कस करेगी दोज चार्टर्ड गवर्नेंस से कि भाई क्यों मैं उसको एलिमिनेट नहीं कर पाया। टर्मिनेटेड बाय द इफेक्टिव डेट ऑफ एक्विजिशन एंड द एवेल्युएशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट। अब आगे सुनिएगा, फिर अगर दोज चार्टर्ड गवर्नेंस आपको कहती है कि भाई बिस्मिल्ला करें, आप कंटिन्यू रहें एज अ ऑडिटर हमारे, तो फिर हम सिर्फ ये तब कर सकते हैं जब द इंटरेस्ट ऑफ रिलेशनशिप विल बी टर्मिनेटेड एज सून एज पॉसिबली एंड इन ऑल केसेज विद इन 6 months ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ एक्विजिशन। यानी एक्विजिशन जिस दिन हो जाएगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर मुझे ये रिलेशन को क्या करना होगा, टर्मिनेट करना होगा। यानी आप ऑडिट रिपोर्ट तो दे दें, सही है, उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि ऐसी बात है 2-3 महीने में ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। पर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट तो कंप्लीट हो जाए, पर मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि भाई आप इस रिलेशनशिप को 6 महीने के अंदर अंदर खत्म करेंगे। इसके बाद, एनी इंडिविजुअल, यानी जो इंडिविजुअल उस क्लाइंट पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था, यानी सब्सिडरी के, उसको आप अपनी टीम से कटा देंगे, उसको अपनी टीम का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसके बाद फिर वही वाली बात, ये पता है, ट्रांजिशनल मेजर्स। अगर ट्रांजिशनल मेजर्स के अंदर वो कहता ही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू करेगा ऑडिट वर्क एज अप्रोप्रिएट, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि फर्म का पार्ट नहीं हो, मैंने कहा दूसरा बंदा भाव से बुला लो, ये भी रिवाइज करवाया मैंने, और तीसरी चीज है कोई ऐसी अलग फर्म बुला लो, एंगेज कर लो उसको टू इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ द नॉन अश्योरेंस सर्विस, और अनदर फर्म इज एंगेज टू रिप्रोड्यूस। बोला या तो अपनी नॉन अश्योरेंस सर्विस का काम रिव्यू करवा लो, या तो उसको बोलो ये काम वापस से कर ले, यानी एक बार रीपरफॉर्म कर ले जस्ट टू इंश्योर कि आप बायस नहीं थे। ऐसा ही है जी। अच्छा भाई, फिर इसके बाद एक विंटर 2015 में सवाल आया है, और विंटर 2015 का सवाल क्या कहता है वो देख लेते हैं। अच्छा, पहला तो देखें मैंने आपको क्या किया हुआ है कि भाई सिनेरियो उसको ब्रेक किया हुआ है। सिनेरियो उसको ब्रेक करने के साथ साथ मैंने एक बेहतरीन काम ये किया कि जो जो रेलेवेंट पास्ट पेपर है वो उठा के आपके एक प्लेट में एक जगह चिपका दिया है, ताकि आप अकॉर्डिंगली उसको हैंडल कर पाए। आगे देखते हैं जी, अगला सवाल, यू आर द मैनेजर इन क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई वेरी गुड, आपको मैनेजर बना दिया गया, वो भी क्वालिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट का, माशाल्लाह। अ पार्टनर ऑफ द फर्म हैज इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द फॉलोइंग, ऑडिट ऑफ नादर लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी इज इन द फाइनलाइजेशन स्टेज। में जैसे ये देख रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि सर ये फिर उसी मर्जर एंड एक्विजिशन का दूसरा केस है जिसके अंदर मुझे क्लाइंट खुद कह रहा है कि भाई आप ये कर लें क्योंकि ऑडिट फाइनलाइजेशन स्टेज पे। देखें पहले और दूसरे केस में फर्क है, मैं फिर बता दूं, पहले वाले केस के अंदर आपका ऑडिट फाइनलाइजेशन स्टेज पे नहीं था, वो एक्विजिशन हो गई थी, आपने बताया था जाके भाई मैं रिलेशनशिप को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि मजबूरी है। इस केस के अंदर केस उल्टा है, तो आपको अकॉर्डिंगली लिखना है। अब आगे देखते हैं,
ऑडिट ऑफ नादर लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी। अच्छा, नॉन लिस्टेड कंपनी है तो रिलेटेड एंटिटी से तब होगी जब ये कंपनी किसी को एक्वायर करेगी, तो वो रिलेटेड एंटिटी बनेगी, याद रखिएगा। आगे, इज इन दी फाइनलाइजेशन स्टेज, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द फील्ड वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। एनएल हैज एक्वायर्ड 51% होल्डिंग इन हामिद लिमिटेड। वेरी गुड। देखो, अब यहां से पिक हुआ कि रिलेटेड एंटिटी अब बनी है, ये क्योंकि बात समझिएगा, बात समझिएगा, अगर इसको कोई एक्वायर करता ना, नॉन लिस्टेड कंपनी को जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो, तो वो पेरेंट हमारे लिए रिलेटेड एंटिटी नहीं होती। आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि देखो वहां पे प्रिंसिपली बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनीज के केस में ऊपर नीचे दाया बाया सब रिलेटेड एंटिटी, पर नॉन लिस्टेड के केस में, नॉन लिस्टेड के केस में रिलेटेड एंटिटी सिर्फ वो होगी जिसके ऊपर मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा। बात क्लियर है जी? आगे सुनिएगा। अ लिस्टेड कंपनी, फ्यू डेज अगो अ पार्टनर ऑफ द फर्म होल्ड्स 5 लाख शेयर्स वैल्यूइंग ₹20 मिलियन इन एचएल। अच्छा भाई, हमारे जो पार्टनर साहब हैं इस कंपनी में होल्ड करके बैठे हुए थे, पहले तो कोई पंगा नहीं था, पर अब जब इसमें एक्विजिशन हो गई है तो अब ये बन चुकी है रिलेटेड एंटिटी। तो क्या ये सेट क्रिएट हो गया? यस सर, सेल्फ इंटरेस्ट सेट क्रिएट हो गया। इसके बाद, क्योंकि भाई लॉजिकल सी बात है ना, मैं तुम्हें बताऊं, कोई बच्चा लेटा हुआ सोच रहा होगा तुम में से कि यार सर ये सेल्फ इंटरेस्ट सेट कैसे क्रिएट होगा, कंपनी अलग है। भाई मुझे एक बात बताओ ना, उसी कंपनी के रिजल्ट्स तो यहाँ पे आके क्लब होंगे, तो क्या मैं चाहूंगा कि कभी भी वो कंपनी के नुकसानात हों और मेरा डिविडेंड रुक जाए या मेरी वैल्यूएशन जो है वो कम हो जाए? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। इसके बाद, द पार्टनर हैज एग्रीड टू सेल द शेयर्स, हाउएवर इट वुड टेक सम टाइम एज द शेयर्स ऑफ एचएल आर नॉट एक्टिवली ट्रेडेड। वो बोल रहा है भाई टाइम लगेगा बेचने के अंदर, मानते हैं, क्योंकि वो एक्टिवली ट्रेड नहीं होते। यानी ये भी वही बात है कि इंटरेस्ट और रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हुआ, पर आप आगे देखिएगा क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड ही है। इसके बाद आपने लिखना ये है कि आफ्टर द एक्विजिशन एचएल हैज बिकम रिलेटेड एंटिटी ऑफ एनएल। ये हमने वो कॉन्सेप्ट दे दिया। एंड एज पर द कोड ऑफ एथिक्स रेफरेंस टू द ऑडिट क्लाइंट इंक्लूड्स रेफरेंस टू इट्स रिलेटेड एंटिटी। ये हमें सिखा रहा है भाई कि कोड ऑफ एथिक्स के तहत ऑडिट क्लाइंट का मतलब ये भी होता है कि रिलेटेड एंटिटीज भी। सही है जी? आगे, Therefore, after the acquisition, the partner holds direct financial interest in a related entity and it would create a self-interest set. इसने क्या किया, पूरी सिचुएशन को बयान कर दिया। जैसे मैंने आपको सिखाया, सिचुएशन को उठाओ और फिर उसको लिंक कर दो कि ये सिचुएशन कौन सा सेट क्रिएट कर रही है और क्यों कर रही है। क्योंकि इसने बता दिया आपको कि भाई वो सेल्फ इंटरेस्ट सेट क्यों आया, क्योंकि मेरा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। इसके बाद, एज द अमाउंट ऑफ होल्डिंग इज मटीरियल टू द पार्टनर एंड एनएल कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एचएल, द सेल्फ इंटरेस्ट सेट क्रिएटेड विल बी सो सिग्निफिकेंट दैट नो सेफगार्ड कुड रिड्यूस द सेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। यानी वो कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है, देखो कह भी रहा है, एज द अमाउंट ऑफ होल्डिंग इज मटीरियल टू द पार्टनर, यानी पार्टनर एक बंदे के हिसाब से सोचो उसकी तो अमाउंट मटीरियल ही होगी ना। वो बोल रहा है कि भाई ये तो इतना सिग्निफिकेंट सेट है कि कोई भी सेफगार्ड इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। इसके बाद, हाउएवर एज 85% ऑफ द ऑडिट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, द रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इन सच केस इफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिक्वेस्ट द फर्म टू कंप्लीट। देखो अभी इफ के साथ कह रहा है, देखो उसमें कंडीशन थी ना, वो क्या कह रहा था, बोल रहा है सिग्निफिकेंट वर्क कंप्लीट हो चुका हो और जो बकाया काम है वो भी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और आपको दोज चार्ज विद गवर्नेंस कह रहे हैं कि बाबू कर ले यार, कंप्लीट कर ले। सही है जी? टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ द एंटिटी, द फर्म कैन कंटिन्यू द एंगेजमेंट प्रोवाइडेड दैट द फर्म, अब ये कंडीशन है, शर्त है ये कि भाई ऑडिट हो सकता है, रिमेनिंग टाइम में कंप्लीट करो, शर्त ये है जो अभी मैं बताने वाला हूं। आप इस इवेल्यूएशन ऑफ थ्रेड को जो आपने इवेल्यूएट किया होगा सिग्निफिकेंस, ये दो चार विद गवर्नेंस को बता दें कि भाई ये पार्टनर का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है वहां पे, ये साइन कैसे करेगा। अगर आपने ये डिस्कस किया और फिर भी उसको मस्ती है कि हाँ भाई नहीं आप करें ऑडिट, आप ही हमारे लिए सब हैं, तो फिर आप इंश्योर करेंगे कि वो रेलेवेंट पार्टनर अब उस ऑडिट टीम का पार्ट नहीं रहेगा, यानी वो साइन नहीं करेगा। ऐसा ही है, नॉट द पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ना उसको आप एंगेजमेंट पार्टनर बनाएंगे ना उसको EQR बनाएंगे, यानी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, उसको आप इस एंगेजमेंट से कटा देंगे, बोलेंगे भाई अल्लाह हाफिज, दूसरे पार्टनर को ले आएंगे। तो ये हो गया सेफगार्ड। इसके बाद, हैज डेप्यूटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिव्यू द ऑडिट वर्क, यानी एक एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाए, क्यों भाई 85% जो काम कंप्लीट हुआ है उसमें भी तो भंड हो सकता है ना, तो उसके लिए रिव्यू के लिए नहीं लगाओगे बंदा। इसके बाद, हैज डेप्यूटेड अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट अदर देन मेंबर, देखो वही वाली मैंने आपको बताया था ना कि वो ट्रांजिशनल मेजर्स,
या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा दो, या ऐसा बंदा लगा दो जो फर्म का पार्ट ना हो, या तो दूसरी फर्म लगा दो जो काम को क्या करे, रिव्यू करे, ऐसा ही जी। तो ये तो आपके पास टेक्निकली हो गए उन सवालात के जवाबात जो शेड शेड थे। और देखो यार, शेड ही होता है, इट्स ऑल अबाउट कि आपने सिचुएशन को पिक करना है। देखो पहले वाले केस में जो मैंने करवाया तुम्हें, उस केस के अंदर क्या था कि भाई उस केस के अंदर मैं इफेक्टिव डेट ऑफ एक्विजिशन और मर्जर तक ये इंटरेस्ट बेच नहीं पाया था, इसमें भी नहीं बेच पाया था। तो दोनों में फर्क क्या था, वहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीशन का जिक्र नहीं हुआ था, यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीशन का जिक्र हो चुका था। तो यहाँ पे और वहां पे जो हमने किया था उसमें क्या था जी, फर्क था हल्का फुल्का, ऐसा ही जी। अच्छा जी, अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक अलग सेक्शन, यानी आफ्टर मर्जर एंड एक्विजिशन, जिसको मैं कहता हूँ फी का रिलेटिव साइज। इसके मल्टीपल सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, हम उसमें से कुछ कवर कर लेते हैं। आपने मतलब ऑब्वियसली कैफ लेवल पे हल्का फुल्का तो सीखा होगा, कि हल्का फुल्का नहीं भी सीखा तो चलो मैं ही बता देता हूँ आपको कि यार आप एक चीज सुनो, एक दिमाग लगाओ। अगर आप एक दुकान भी चलाते हो और आपकी जो सेल है वो एक कस्टमर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो आप क्या कभी उसको जाने दोगे? जाने दोगे नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपका जो घर चलता है वो उसी से चलता है। तो भाई आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि उस बंदे को खुश रखो, मतलब वो जाहिर सी बात है सर्विसेज देके, सही जी, तो आप उस बंदे को खुश रखो। तो समझने की बात यह है कि भाई अगर हमें उस कस्टमर को खुश रखना होगा तो जाहिर सी बात है उसकी बातें माननी पड़ेंगी। तो सेम इज द केस विद ऑडिट फर्म। वो कहता यह है कि भाई अगर आपके पास फर्म का कोई ऑडिट क्लाइंट है, उस ऑडिट क्लाइंट की जो फीस का टोटल प्रोपोर्शन है, सही है जी, वो सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू फर्म की टोटल फीस, फर्म की टोटल फीस, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि भाई ये एक ऐसा थ्रेड क्रिएट हुआ है जो कि एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड लेके आएगा और इंटिमिडेशन थ्रेड। अच्छा, इंटिमिडेशन थ्रेड कैसे? सामने वाले क्लाइंट को पता होगा कि भाई मैं इतना बड़ा जायंट हूँ, ये मेरे को खोने की कभी सोच भी नहीं सकता। तो उस केस के अंदर सामने वाला क्लाइंट आपको धमका सकता है कि भाई अगले साल आप ऑडिटर नहीं रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि भाई आपका ये जो लेवल ऑफ थ्रेट है, क्योंकि देखो हर फर्म के पास बड़े क्लाइंट्स भी होते हैं ना, तो हर फर्म के लिए थ्रेट नहीं होता। क्यों थ्रेट नहीं होता? क्योंकि हम इवेल्युएट करेंगे कि भाई क्या ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल फर्म है, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर जो फर्म का है वो बेहतरीन है, फर्म की जात पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो भले ही सिग्निफिकेंट पोर्शन हो उसके बाद दूसरा क्लाइंट आ जाएगा, दैट्स इट, इसमें कोई पंगे वाली बात नहीं है। तो वो सबसे पहले ये कहता है कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट डिपेंड करेगा कुछ चीजों के ऊपर जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, वेदर द फर्म इज वेल एस्टेब्लिश और न्यू। अगर पुरानी फर्म है तो जाहिर सी बात है उसकी जात पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दूसरा क्लाइंट आ जाएगा, बोलेगा निकल ले यहाँ से, सही है जी। तीसरा, द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लाइंट क्वालिटेटिवली एंड अनक्वांटिटेटिवली टू द फर्म। यानी देखो, बाज औकात ऐसा होता है कि भाई क्वालिटेटिवली भी क्लाइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी उसका नाम। लेट से अगर मैं कहूँ कि भाई अगर मैं कि कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करता हूँ एक्स वाई जी, हालांकि वो मुझे फीस कम दे रही है, बात समझिएगा, वो मुझे फीस कम दे रही है, पर उसका नाम ही इतना जायंट है कि मैं उसके नाम को यूज करके जब मैं फॉर एग्जाम्पल बिड करूंगा किसी और प्रोजेक्ट के लिए, किसी और चीज के लिए, तो उसका नाम जब लगा होगा तो लोग देखेंगे, हाँ यार ये ऑडिट फर्म इसका ऑडिट कर चुकी है तो ये हमारा भी ऑडिट कर सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे कि क्या लेवल ऑफ थ्रेट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अच्छा जी, तो अगर आपको लेवल ऑफ थ्रेट मिल गया तो उसको रिड्यूस करने का तरीका क्या? भाई लॉजिकल सी बात है, आप एक काम ये करें कि अपनी डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल क्लाइंट क्या करें जी, रिड्यूस कर दें, यानी अपने क्लाइंट बेस को क्या करें, इंक्रीज कर दें। अप्रोप्रिएट सेफगार्ड इज इंक्रीजिंग द क्लाइंट बेस इन द फर्म टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द अश्योरेंस क्लाइंट। यानी भाई सीधी सी बात है, आप हाथ पैर मारें, आप और क्लाइंट्स लेके आए ताकि अगर ये चला भी जाए तो आपकी जात पे कोई इफेक्ट ना हो। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद वो तो पहले जो बात की मैंने, वो मैंने एक बात की थी फर्म की, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ एक पार्टनर की। भाई देखो फर्म में तो मल्टीपल पार्टनर्स भी ना, देखो पहले आपने फर्म लेवल पे सोचा, अब आप किस लेवल पे सोच रहे हो, पार्टनर लेवल पे सोच रहे हो। अच्छा, अब जब मैं पार्टनर लेवल की बात करता हूँ बच्चों, तो आप ज़रा दिमाग लगाएं, साइन तो पार्टनर नहीं करना है ना, क्योंकि फर्म के नाम से तो वो साइन करेगा, पर जो ऑडिट रिपोर्ट में नीचे वो चुटकुली लगी हुई होती है उस पर नाम किसका आ रहा होता है, पार्टनर का, ताकि ये पता लगे कि पूरी फर्म में से इसका एंगेजमेंट पार्टनर कौन था।
तो आपको याद होना चाहिए, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ द फीस फर्म के लिए भी मैटर करती है और पार्टनर के लिए भी मैटर करती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पार्टनर का कोई एक क्लाइंट है, सही है जी, जिसकी फीस ओवरऑल उसके पोर्टफोलियो के मुताबिक सिग्निफिकेंट है, तो क्या इस पार्टनर को भी ये डर होगा कि ये कंसर्न होगा कि मैं क्लाइंट को लूज ना कर दूं? तो वो यही कहता है कि भाई अगर डिपेंडेंस एंड कंसर्न्स अबाउट द लूजिंग क्लाइंट, सही है, विल ऑलवेज क्रिएट अ सेट ऑफ, कौन सा सेट? सेल्फ इंटरेस्ट सेट, और सर आपके पास एक आ जाएगा इंटिमिडेशन सेट। तो पहले फर्म लेवल पे तो आप किसकी बात कर रहा हूँ सर, पार्टनर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, इसके सवाल भी करेंगे। अच्छा जी, अब इस केस के अंदर मुझे सेफगार्ड क्या लगाना है सर, अप्रोप्रिएट सेफगार्ड क्या? सोचें भाई, लॉजिकल सी बात है, आप इस पार्टनर का क्लाइंट बेस क्या करें, इंक्रीज कर दें। जब क्लाइंट बेस इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल क्लाइंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये रहा जी पहला। अच्छा भाई, और दूसरी चीज जो आपको ख्याल रखनी है वो ये भी तो है कि भाई फिर भी हो सकता है इसको लालच आ जाए, क्योंकि ये तो एक पार्टनर है ना, तो फिर इसके लिए, इसके काम को रिव्यू करने के लिए आप एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर लगा दें जो कि इसके काम को रिव्यू करे, और तो हमें एश्योरेंस आ जाएगी कि हाँ भाई जो उसकी जजमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें वो क्या है, सही है, जिसको हम हमारी ईवाई की जबान में कहते हैं कंसल्टेशन, यानी भाई जो जजमेंटल एरियाज होंगे उसके ऊपर एक प्रॉपर रिव्यूअर उससे कंसल्ट करेंगे हम कि भाई क्या मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ताकि जो बायसनेस का एलिमेंट है वो क्या हो जाए जी, एलिमिनेट हो जाए। अच्छा जी, फीस के रिलेटिव साइज से रिलेटेड हमने अभी दो बातें की। पहली बात तो मैंने ये की कि भाई अगर आपकी फर्म का टोटल रेवेन्यू के मुताबिक आपके क्लाइंट का फीस का प्रोपोर्शन ज्यादा है, यानी फीस फ्रॉम योर क्लाइंट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन प्रोपोर्शन टू योर टोटल फीस फ्रॉम ऑल द क्लाइंट्स, तो ये एक थ्रेड क्रिएट करेगा। फिर हमने कई बात पार्टनर की, मैंने कहा कि भाई फी फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट रिप्रेजेंट्स लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल फीस कलेक्टेड फ्रॉम एवरी क्लाइंट ऑफ द पार्टनर। तो भाई इस केस में, दोनों केस में, पहले फर्म लेवल पे सेट था, अब किस लेवल पे सेट है जी, पार्टनर लेवल पे सेट है। फर्म लेवल पे जो सेट था उसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आपने डिपेंडेंस को कम करने के लिए अपने क्लाइंटेल को क्या करना है, इंक्रीज करना है, और इस पे पार्टनर लेवल पे उस सेट को कम करने के लिए पार्टनर का पोर्टफोलियो क्या करना है, इंक्रीज करना है, उसके काम को रिव्यू करने के लिए एक बंदा अपॉइंट कर देना है। अच्छा जी, पर वो एक बात कहता है, वो कहता ही ये है कि भाई अगर जब अब जैसे आगे जाके मैं तुम्हें जितने भी केसेस करवाऊंगा उसमें वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के लिए कुछ रिजिड कंडीशंस बताता है, रिजिड कंडीशन यानी उसमें सख्ती ज्यादा है। वो कहता ये है कि भाई ये जो मैंने बात कही ये अदर देन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज थी। ऑब्जर्व, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या होती है भाई, पाकिस्तान में पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की कंपनीज एक्ट के अंदर अलग से डेफिनेशन है। वो कहता है भाई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज जो हैं आपकी, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, सही है जी, वो ये कहता है कि भाई उसके अंदर लिस्टेड कंपनी तो आती आती है, पब्लिक का पैसा है, उसके अंदर वो कंपनीज भी आती हैं जो फिड्यूशरी कैपेसिटीज में आपके जो है एसेट्स क्या करे, होल्ड करे, वो भी आते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बैंक्स हो गए जैसे मैंने आपको बताया था, फिर मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए, ये कौन सी एंटिटीज होती हैं भाई, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होती हैं। तो इस केस में इसकी कंडीशंस के अंदर कोई भी नरमी नहीं परखी गई है, तो उसके लिए कुछ केसेस अलग है। तो आपको सवाल के अंदर बड़ा पहचानना है कि क्या वो नॉर्मल एंटिटी की बात हो रही है या तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की बात हो रही है। अच्छा जी, जब मैं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की बात करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से कहता है, जरा देखिएगा बहुत फोकस के साथ। वो कहता ही है कि भाई अगर हमारी टोटल फीस, अच्छा ये भी तो बात सीखें सर, ये तो आपने सिखाया नहीं, टोटल फीस का मतलब क्या है? टोटल फीस का मतलब ये है कि सिर्फ ऑडिट नहीं, रिव्यू, एंगेजमेंट की फी, या आप उसको जो भी सर्विसेज देते हैं उन सब का सम, आप उसको जो भी सर्विस देते हैं, अगर आप उसको टैक्सेशन की सर्विसेज भी देते हैं उसको भी मिला है, यानी उन सब का सम। तो कहता ही है टोटल फीस फ्रॉम द क्लाइंट एंड इट्स रिलेटेड एंटिटीज। और देखो अब वही बात, देखिए समझने की बात है, वो कहता ही है कि आप जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं जानी, उसको तो मिला है, मिला है उसकी सारी सर्विसेज को, और जो रिलेटेड एंटिटीज को सर्विस दे रहे हैं उसको भी प्लस करें, तब आपको पता लगेगा कि टोटल प्रोपोर्शन ऑफ फीस क्या है। सही है जी, आप उन सब फीस का सम करें। भाई देखिए बिजनेस तो पूरे ग्रुप से आता है ना, इसको हम कहते हैं ग्रुप एंटिटीज का बिजनेस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं जिस क्लाइंट से कमा रहा हूं उसकी रिलेटेड एंटिटीज से भी जो कमा रहा हूं, दिस इज माई बिजनेस होल एंड सोल फ्रॉम द ग्रुप। तो वो कहता है पूरे ग्रुप की इनकम को जमा करो कि आपका बिजनेस, क्योंकि देखो ये ताल्लुकात होते हैं ना, तभी तो उसने बड़ा इफेक्टिवली ये बात कही है कि भाई आप उस क्लाइंट की फीस,
और उससे रिलेटेड जो भी कमा रहे हो उसकी फीस सबको मिलाओ और देखो वो सब मिला के टोटल फीस इन प्रोपोर्शन टू टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म क्या बनता है, ऐसा ही जी। तो जब हमने इन दोनों को प्लस करके डिवाइड किया और हमने कहा कि भाई वो परसेंटेज आती है 15% से ज्यादा, तो और वो 15% से ज्यादा भी क्या आ रही है दो कंजर्केटिव ईयर से, यानी मैं कहूं कि भाई 2020 में भी ज्यादा थी, 2021 में भी ज्यादा थी। तो यहां से मुझे ये पता लगता है कि भाई मेरे पास इस पूरी उस कंपनी और उसकी रिलेटेड एंटिटीज से जो रेवेन्यू आ रहा है वो मेरी टोटल फर्म के रेवेन्यू से 15% से ज्यादा है, वो भी दो कंजर्केटिव ईयर्स से। तो इस केस के अंदर वो कहता ही है कि ये बात आप दोस्त शाद विद गवर्नेंस को बता दें, उसको बोल देंगे भाई देखो हम तुम पे डिपेंडेंट है, सही है जी। हमारे पास ऐसा हो सकता है कि भाई इंडिपेंडेंस का मसला है, सही जी, हो सकता है। तो आप बताएं आप क्या करें, इसके अलावा डिस्कस करेंगे और अप्लाई करेंगे आइदर ऑफ द फॉलोइंग सेफगार्ड्स इफ एप्लीकेबल, यानी वो बोल रहा है कि भाई आपने जब डिस्कस कर लिया, डिस्क्लोज कर लिया और फिर वो कह रहे हैं कि भाई चलें जी कोई मसला नहीं है, तो डिस्कस करने के बाद आप ये सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको पर हरगिज छूट नहीं है कि आप ये करें जी, सही है जी। अच्छा सर आप बोल रहे होंगे दोस्त शाद विद गवर्नेंस को बता रहा हूँ, पर देखिए मैनेजमेंट अलग है, दोस्त शाद विद गवर्नेंस अलग है, क्योंकि दोस्त शाद विद गवर्नेंस में डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऑडिट को गलत तरीके से किया जाए। मैनेजमेंट तो चलो अपनी गलतियां बचाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए करेगी चीजें, पर दोस्त शाद विद गवर्नेंस कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, आइडियली नहीं चाहेंगे, सही है जी, क्योंकि उनकी गवर्नेंस से ही तो कंपनी चल रही है, क्योंकि अकाउंटेबल होती है मैनेजमेंट उनको। तो समझने की बात यह है कि मैं उनसे डिस्कस करूंगा, अगर वो कहते हैं कोई मसला नहीं है आप करें ऑडिट बिस्मिल्ला, तो उस केस में फिर आपको सेफगार्ड लगाने, वो क्या लगाने वो अभी बता रहा हूं। एक होता है प्री इश्यूएंस रिव्यू, प्री इश्यूएंस रिव्यू का मतलब यह है कि भाई आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले एक रिव्यू करवा लें। अच्छा सर फिर वो कहता है ये कि ऑडिट रिपोर्ट कौन सी, देखो पहला साल ऑडिट होगी आपकी फीस 15% ज्यादा थी, यानी 15% से ज्यादा थी टोटल रेवेन्यू के, ऐसा ही है। फिर वो कहता है जब दूसरे साल का यानी 20 में आपकी 15% से ज्यादा थी, 21 में भी 15% से ज्यादा है आपको पता है, क्योंकि आपके टोटल क्लाइंट्स को मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा, इस क्लाइंट और उसकी रिलेटेड एंटिटीज को ऊपर रखूंगा, आंसर आ गया 15% से ज्यादा। वो कहता ये है कि आपका जो पहला सेफगार्ड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई आप दूसरे साल की ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले एक उसका रिव्यू करवा लें, यानी उस साल का दूसरे साल का रिव्यू करवा लें। देखिए किस तरह कहता है, बिफोर इशूइंग ओपिनियन ऑन सेकेंड ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म, यानी वो बंदा जो फर्म का मेंबर नहीं है। देखें इसमें बड़ी स्ट्रिक्ट बातें हैं, आपने अगर इसमें भंड मारा तो गए, रिव्यू अपॉइंट करने की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ रिव्यू भी वो अपॉइंट होगा जो फर्म का बंदा नहीं है। देखो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म परफॉर्म एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट, ये आपने ये देखो यार ये बारीकियां होती हैं, ये बंदा गलत लिख के आता है तो फेल हो जाता है, सही है जी। और इंशाल्लाह गलत नहीं लिखोगे क्योंकि हमने मार्किंग करनी है और मार्किंग के साथ साथ ही वहीं से उठा के लिखेंगे इसको। अच्छा या तो बोलता है दूसरा सेफगार्ड और पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू, पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू का मतलब क्या है भाई, आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी उसके बाद आप रिव्यू करवा रहे हो। वो कह रहे हैं भाई आफ्टर इशूइंग ओपिनियन ऑन सेकेंड ईयर एफ एस एंड बिफोर इशूइंग ओपिनियन ऑन थर्ड ईयर एफ एस आ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म परफॉर्म एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू फॉर सेकेंड ईयर ऑडिट। तो सर पहले वाले सेफगार्ड में भी सेकेंड ईयर के ऑडिट का रिव्यू करवा रहे थे, दूसरे वाले पैराग्राफ में भी सेकेंड ईयर का रिव्यू करवा रहे थे, पर दोनों फर्क क्या, एक प्री इशुएंस है और एक पोस्ट इशुएंस है, आई होप दिस इज क्लियर आपने दोनों फर्क। फिर एक और चीज कहता है, वो बोलता है बाज औकात कोई ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है जिसमें पोस्ट इशुएंस रिव्यू यानी इशुएंस रिपोर्ट के इशू होने के बाद रिव्यू आपके काम का नहीं होगा, तो वो सेफगार्ड को रिड्यूस, वो ऐसा सेफगार्ड नहीं होगा कि थ्रेट को क्या करे रिड्यूस करे, तो वो कौन सा केस है। वो कह ये रहा है कि भाई अगर आपकी टोटल फी 15% से भी सिग्निफिकेंटली एक्सीड हो जाए, देखो 15% से इंक्रीज होना एक अलग बात है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना अलग बात है। वो बोलता ही है कि भाई अगर इफ टोटल फीस सिग्निफिकेंटली एक्सीड्स 15% ऑफ द टोटल फीस द फर्म रिसीव्स द लेवल ऑफ थ्रेट विल बी सो हाई दैट पोस्ट इशुएंस रिव्यू वुड नॉट रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि भाई 15% से इंक्रीज होना एक अलग बात है, और 15% से अगर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाए इन प्रोपोर्शन टू योर टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म, तो भाई फिर आप ये हरकत नहीं कीजिएगा कि दूसरे साल की रिपोर्ट दे दो
ताकि तीर कमान से निकल जाओ, बाद में रिव्यू करवाना। नहीं, आपने उस केस में क्या करना, आपने उस केस में करना ये है कि भाई ये जो दूसरा वाला है ना पोस्ट इशुएंस रिव्यू का सेफ गार्ड, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर जो सेफ गार्ड लगेगा वो कौन सा रहेगा, प्री इशुएंस रेवेन्यू का। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं, जिसमें हमने पास्ट पेपर किए, मर्जर एंड एक्विजिशन के हल्का फुल्का रिवीजन किया, और आज हमने फी के रिलेटेड, साइज के रिलेटेड बातें की, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को अलग से बताया और अदर देन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को मैंने अलग से जिक्र किया। जी जजाकल्ला।